आवाज़ पंजाब का कांग्रेस में सिर्फ विलय हो सकता है, गठजोड़ नहीं। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह का बयान। नवजोत सिंह सिद्धू की राहुल गांधी से मुलाकात की खबरों को किया खारिज। केजरीवाल को ना तो पंजाब के मसलों की समझ, ना ही आपके पास पंजाब के विकास और तरक्की का कोई एजेंडा। मुख्यमंत्री बादल ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा पंजाबियों को झूठे नारों से भ्रमित करने की हो रही है कोशिश। श्री आनंदपुर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाश पर्व को समर्पित समागम का आयोजन। 20 नवंबर को खालसा की धरती श्री आनंदपुर साहिब से निकलेगा चेतना मार्च, 4 दिसंबर को पटना साहिब में होगा समा। हरियाणा कांग्रेस में कलह को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सिरे से नकारा, बोले दिल्ली में जो कुछ हुआ वो अति उत्साह और जोश में हुआ, बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं, पहले अपने गिरेबान में झांके। आईबी का जम्मू कश्मीर में अलर्ट, वारदात के लिए सेना और पुलिस वालों से लूट सकते हैं हथियार। पुलवामा में 2 दिन पहले पुलिसकर्मियों से 2 SLR राइफल छीनकर भागे थे आतंकवादी। कांगड़ा के होटल ने पेश की देशभक्ति की अनूठी मिसाल, मौजूदा और पूर्व सैनिकों को खाने पर भारी छूट, शहीदों के परिवारों को मिलेगा मुफ्त में खाना। रेसलिंग चैंपियनशिप रद्द होने से नाराज विदेशी रेसलर्स ने की जलंधर में तोड़फोड़, ग्रेट खाली को दी खुली चुनौती, प्रैक्टिस कर रहे पहलवानों के साथ भी मारपीट की, पुलिस तक पहुंचा मामला। आदिशक्ति की उपासना के 9वें दिन आज मां सिद्धिदात्री की हो रही है पूजा, घरों में कंचक पूजन करके मां के भक्त परिवार की सुख शांति के लिए कर रहे हैं आराधना।